इंसानियत के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा ऊपर वाले का ह्यूमन बीइंग को दिया हुआ एक गिफ्ट है। हम सभी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर बार वो इंसानियत आती है, लेकिन हम उसको कभी रोक देते हैं, कभी उसको सर्व कर देते हैं। जिस तरीके के हालात सारे भारतवर्ष में आज है, मैं बहुत कुछ इन मान्यवरों के बीच में बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत बार जहां पर भी मुझे तकरीर करने का मौका मिलता है, ह्यूमैनिटी के बारे में बोलने का मौका मिलता है, एक शायर की लिखी हुई बहुत खूबसूरत सी एक ऐसी लाइनें हैं जो मैं जरूर हर जगह पे पढ़ता हूं, और हमारे इंडिया के लिए वो बहुत जरूरी है आज की डेट में। मैं वही एक छोटी सी कविता आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पॉलिटिकल कलर उसको जरूर है, मगर अंत में जब आप उसको पूरा सुनेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि सचमुच इस व्यक्ति ने जो कहा वो बहुत गहरी बात थी। जैसे हालात सारे भारतवर्ष में अभी हो गए हैं, पहले हम देखते थे, बहुत पहले जब मैं छोटा था, मैं बुढ़ी लाइन में रहता था, मेरे वालिद साहब आप सब लोगों से परिचित है, आप उनसे परिचित है, मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन मेरे जो वालिद साहब है एडवोकेट हीरालाल डोंगरे, तो उनकी प्रैक्टिस भी जूना बाजार में थी, और हम वहां पर हमेशा रोज स्कूल छूटने के बाद में हमारे जितने फ्रेंड्स थे उनके साथ में हम वहां पर खेलते थे। सारा मोहल्ला अपना होता था, जब भी हम घर की तरफ निकलते थे तो मोहल्ले की दादी हमारी दादी होती थी। हमें प्यास लगी तो हमको सोचना नहीं पड़ता था कि ये घर किसका है, हम अंदर जाकर वहां पानी पीते थे और वो लोग हमको बिठा के बहुत मोहब्बत से पानी पिलाते थे। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, हमारा शहर इसमें पीछे होता जा रहा है। मोहल्ला कमेटी के नाम पर मोहल्ले के पांच बुजुर्ग हुआ करते थे, जैसे आप सब लोग आज स्टेज पे यहां बैठे हो, और वो पांच लोग निर्णय लेते थे कि हमारे मोहल्ले में क्या चीज होगी। अमन, अखलाक और प्रेम की सिटी अपना शहर औरंगाबाद है। हम लोग बचपन से देखते हैं, मैं मॉडल स्कूल से पढ़ा हूं, मुझे कभी याद नहीं है कि किसी तरह के कोई अनकॉमन सवाल मुझसे किसी ने स्कूल में पूछा, जबकि संख्या वाइज अगर देखे तो क्लास के अंदर सिर्फ हम तीन लोग थे जो हम नॉन मुस्लिम थे, बाकी पूरे के पूरे हमारे फ्रेंड्स वहां पर थे पूरी ताकत के साथ, लेकिन क्लास का मॉनिटर 10 साल मेरा, जब से मुझे याद है तब से लेके लास्ट तक के। और ये स्ट्रेंथ जो थी, ये स्ट्रेंथ आज भी मेरे अंदर उतनी ही ताकत के साथ है, उतनी ही ताकत के साथ है। एक शायर ने कहा है कि नफरतों का असर देखो, नफरतों का असर देखो, इंसान तो ठीक है, जानवरों का भी बंटवारा कर दिया, न जाने कब गाय को हिंदू कर दिया और बकरे को मुसलमान कर दिया। ये पेड़, वो पत्ते, ये शाख, वो दरख्ते भी हैरान हो जाए अगर आज के इस हालात में परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। जिस तरह जाति के नाम पर, रंगों के नाम पर, धर्मों के नाम पर हम लोगों को बांट रहे हैं, हरा मुसलमान का है, लाल हिंदू का है, वो दिन दूर नहीं भाइयों जब मार्केट की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों के हिस्से की हो जाएगी और हम हिंदुओं के हिस्से में सिर्फ लाल गाजर और टमाटर ही रह जाएंगे। ये सोचकर तुम्हारी और हमारी तरह वो बेचारा तरबूज बहुत परेशान है, जो ऊपर से तो हरा है मगर काटो तो अंदर लाल है। ये कविता सारे भारत के लोगों ने अपने जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये देश है भारतवर्ष, ये ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहां पर देखो, खुद को चोट लगी तो जानवर भी रोता है, इंसान वो जो दूसरों के दर्द को समझे, इंसान वो है जो दूसरों की तकलीफों को समझे, खुद को मार लगा तो जानवर भी रोता है जिसको समझता नहीं है। मैं बहुत प्रभावित होता हूं जब ऐसे अनकॉमन इवेंट्स लिए जाते हैं शहर में ह्यूमैनिटी के लिए। मैं फयाज भाई का, उनकी सारी टीम का बहुत ज्यादा यहां पर उनको शुक्रिया देना चाहूंगा कि पहल ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, पहल जो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है।
संख्या को कोई वैल्यू नहीं है कि कितने तादाद में लोग आए, जरूरी वो है कि लोग वहां पर आए। और आज यहां पर वो शुरुआत हम देख रहे हैं, जो लोग यहां पर है उनमें मोहब्बत है, उनमें लोगों को कुछ देने की भावना है। मैं आपका जितना शुक्रगुजार मन से कर सकूं उतना मैं कम हूं कि मेरे जैसे एक नौसिखिए व्यक्ति को आपने यहां इस स्टेज पर बुलाया। यहां बहुत रति, महारति, यहां पर आधी रति सब बैठे हुए शहर के अंदर। ये जितने यहां पे सामने की लाइन में अंकल के पेपर तो आप देखो हमेशा, यानी मैंने इन सारे लोगों का किसी न किसी रूप से सामाजिक कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमारे काफी पुराने लोग कहते हैं कि इंसान के हाथ में जितना बैठेगा ना यही उसका है, उसके आगे वो कितना भी समटने जाएगा तो वो नीचे जमीन पे गिर के मट्टी में मिलने वाला है। इससे पहले वो मट्टी में जाके मिल जाए, वो मदद खिदमत हमको दूसरों को देनी पड़ेगी, तभी उसका वैल्यू होगा। मैं एक छोटी सी लाइन के साथ यहां पर समाप्त करता हूं। जिंदा हो तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, जो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, है अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, मेरे हौसलों को मंजिलों की तलाश है, ये आंधियों की बिजलियों की पीठ पे सवार है, तू आ मुझे हसीन कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, जो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। हमारे सबसे बड़ी विडंबना होती है, पहले से हमको आज तक लोग कहते आए हैं स्वर्ग, स्वर्ग ऐसी जगह है जिसको हम बोलते हैं कि जन्नत, वहां सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा नहीं वो भी आपके पास होगा। अगर हम आज के डेट में लोगों को पूछे कि भाई एक ऐसी जगह है जहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, कितने लोग हैं जो इसका मजा लेना चाहते हैं, तो 99% लोगों के हाथ ऊपर जाएंगे कि सचमुच में हमको इसका मजा लेना है, लेकिन शर्त उसमें इतनी होगी कि आपको स्वर्गीय होना पड़ेगा, तो एक भी हाथ ऊपर नहीं आएगा। यानी अगर स्वर्ग में सब चीजें मिल रही है तो उसके लिए हाथ 100% हमारा ऊपर रहेगा, लेकिन अगर हमारी एक बात उसके अंदर ऐड हो गई कि इसे पाने के लिए आपको स्वर्गीय होना पड़ेगा, तो एक भी हाथ ऊपर नहीं आएगा। ह्यूमैनिटी के बीच में सिर्फ एक थिन लाइन होती है, स्वार्थ के और ह्यूमैनिटी के बीच में। जिस दिन व्यक्ति सामने वाले को दूसरा बोलना बंद कर दे और बोले ये अपना है, तो ह्यूमैनिटी उसके अंदर आ जाती है। हमने यही सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति है वो अपना है, हम जो कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, और खिदमत करने के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसा अभी यहां पर बहुत अच्छे से मुकीम साहब ने बोला कि एक व्यक्ति जो रास्ते से छोटा सा एक कांटा भी उठा के उसने बाजू डाल दिया तो भी उसमें ह्यूमैनिटी है कि भाई किसी और को वो कांटा चुभे ना, किसी दूसरे को उससे तकलीफ ना हो। ये जज्बा अगर हर व्यक्ति में पैदा हो जाए तो देखने का काम ही नहीं है, देखने का काम ही नहीं है। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए माइक यहां पर हैंड ओवर करना चाहता हूं एक आखिरी की छोटी सी लाइन बोलकर कि छोटा हूं, अगर ह्यूमैनिटी में कोई व्यक्ति जो सबसे छोटा है वो भी अगर खड़ा हो जाए और सारे एक तरफ सेल्फिश लोगों को खड़ा कर दिया जाए, तो यही वो कहेगा कि छोटा हूं तो क्या हुआ, छोटा हूं तो क्या हुआ, आंसू हूं मैं एक, सागर जितना स्वाद है इंसानियत का, दम है तो चख के तू देख। धन्यवाद।